बिहेवियर इज लाइक अ फ्लैट टायर, इट विल टेक यू नोवेयर. इफ यू आर वेल मैनर्ड देन पीपल विल बी मोर कंफर्टेबल इन योर कंपनी. अ पर्सन हु हैज गुड बिहेवियर और वेल मैनर्ड has a positive impression on others. Hi, I am your Pooja teacher and today I am going to teach you about importance of good behavior. Do you know what is good behavior and why it is important? So, good behavior is a proper and right conduct. Conduct means आपका आचरण, आपके manners, आपका व्यवहार वो proper होना चाहिए, correct होना चाहिए और उसे हम good manners में count करते हैं. Good behavior is the most important aspect to present the quality of person. आपके अंदर क्या qualities हैं? आप किस type के person? वो आपके manners से, आपके behavior से पता चलता है. People judge you not by your riches or your skills, but by your behavior. आपको पता है लोग हमको कैसे judge करते हैं? हमारी जो qualities हैं, हमारा जो behavior है, उससे लोग हमको judge करते हैं. They are not going to judge us by our money. They are not going to judge us by our skills. हम कितने भी अच्छे आर्टिस्ट हैं या हम कितने भी पैसे वाले हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम एक अच्छे पर्सन. हमारी जो क्वालिटीज है, हमारा जो बिहेवियर है, उससे एक मैसेज जाता है कि हम किस टाइप के पर्सन. So always try to behave nicely. Good behavior make you a good child. Good एक अच्छा बिहेवियर आपको एक अच्छा बच्चा बनाता है. Now I am going to tell you ways to develop good manners. ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे आप good behavior या good manners को develop कर सकते हैं? First one is do whatever work is assigned to you. See, अगर आपको कोई भी काम मिलता है तो आपको उस काम को finish करना है, उसको बीच में नहीं छोड़ना है. नहीं करना है कि आपने काम start किया और फिर आप bore हो गए और आपने उस काम को छोड़ दिया. So, do whatever work is assigned to you and finish it. Then, avoid talking rudely to elders. This is very important. You should not talk rudely. आपको rudely, harshly बात नहीं करना. You have to be very polite in your speech. आपको बहुत ही प्यार से और polite way में softly बात करना. आपके बड़ों से जब आप बात करते हो तो respect mode में बात करना. You should talk to them softly, politely, in a respect mode. Okay? Be responsible in your action. You should take responsibility of your actions. अगर आपने कुछ किया है तो आप उसकी responsibility लो. Do you know how? See, अगर आपके exams हैं and your mama is telling you to study, कि बेटा आप पढ़ाई करो, आपके exams हैं और आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हो और आपके marks कम हो गए, तो who is responsible for that? You yourself is responsible for that. तो responsibility लो कि आपने पढ़ाई नहीं की इसलिए आपके marks कम आ गए. और अगर आपने कुछ अच्छा भी किया है, कुछ achieve किया है, आपके hard work से आपने achieve किया है, तो you should take responsibility of that. Okay? तो आप जो भी करते हो आप उसकी responsibility लो कि yes, ये मैंने किया है और ये मेरी वजह से किया है. Then always be thoughtful and considerate. Thoughtful मतलब हर काम सोच विचार के करो, बिना सोचे कोई काम नहीं करना चाहिए. कभी भी कोई भी काम करते हैं तो उसके कंसीक्वेंसेस के बारे में ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा. तो आपको ये चीजों को ध्यान में रखना है. इसके लिए आप अपने बड़ों की गाइडेंस ले सकते हो. आस्क योर पेरेंट्स, आस्क योर मम्मा, आस्क योर टीचर कि मैम मैं ये काम करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, अगर मैं ये करूँगी तो उससे क्या होगा, इससे क्या अच्छा हो सकता है, इससे क्या बुरा हो सकता है. तो योर एडर्स, योर टीचर्स विल गाइड यू. तो व्हाट यू शुड डू, यू शुड ऑलवेज बी थॉटफुल, सोच विचार के काम, एंड कंसिडरेट, दूसरे की कंडीशन को समझना, कंसिडर करना, तो दूसरे की प्रॉब्लम्स को भी कंसिडर करना चाहिए. इतने समझदार होना चाहिए कि आप दूसरे की प्रॉब्लम को भी समझ सकें. Then apologize for your mistakes and don't argue with elders. अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो you should always apologize for it. आपको argument नहीं करना है, आपको back answering नहीं करना है. That is bad habit. और ये good manners में बिल्कुल count नहीं होता है. Back answering करना, arguments करना. So don't argue with your parents. Okay? Help everyone you can.
आप जिसकी भी हेल्प कर सकते हो उन सबकी आपको हेल्प करना चाहिए। आई अंडरस्टैंड यू आर टू स्मॉल, आप लोग बहुत छोटे हो, आप कैसे हेल्प कर सकते हो? आप अपनी मम्मी की हेल्प कर सकते हो बाय कीपिंग थिंग्स एट प्रॉपर प्लेस, अपना रूम क्लीन करके रखना, अपनी चीजों को प्रॉपरली प्लेस करना, इससे आप अपनी मम्मी की हेल्प करते हो, है ना। रात में या दिन में जब भी आपकी मम्मी लंच या डिनर प्रिपेयर कर रही है तो आप सर्व करने में हेल्प कर सकते हो, छोटी छोटी चीजों में आप हेल्प कर सकते हो, है ना। और आपके घर के आसपास बहुत सारे स्ट्रे एनिमल्स होंगे, आप बचा हुआ लेफ्ट ओवर फूड आप उनको देके फीड कर सकते हो, आप उनकी हेल्प कर सकते हो। तो छोटी छोटी चीजें हैं जो आप कर सकते हो, है ना। आपके पापा थके हुए ऑफिस से आए तो आप उनको यू कैन ऑफर देम अ ग्लास ऑफ वाटर, है ना, ये सब तो आप कर सकते हो। दीज आर सिंपल थिंग्स, छोटी छोटी चीजें हैं। आपके घर में ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आप उनकी हेल्प कर सकते हो, आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स की हेल्प कर सकते हो, उनका हाथ पकड़ के उनको सपोर्ट करो। तो छोटी छोटी चीजों में यू कैन हेल्प योर एल्डर्स, सो हेल्प एवरी वन यू कैन। आप मदद कर सकते हो तो आप सबकी मदद के जिस तरह भी हेल्प कर सकते हो आपके हिसाब से। बी रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको सबको रिस्पेक्ट करना, चाहे वो आपके घर में काम करने वाली मेड हो या आपके पेरेंट्स हो, है ना, आपके टीचर्स हो, आपके सिबलिंग्स हो, बड़े भाई बहन और छोटे भी, रिस्पेक्ट तो सबको देनी चाहिए, चाहे वो यंगर मेंबर हो फैमिली के या एल्डर। यू शुड ऑलवेज बी रिस्पेक्टफुल, देन बी नाइस एंड अंडरस्टैंडिंग। हमेशा आपको एक नाइस एटीट्यूड रखना है, प्यार से रहना है और अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग मतलब दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझना। तो ऐसी बिहेवियर आपकी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग नेचर होना चाहिए, प्यारा और अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। कि अगर कभी मम्मी आपको 10-15 मिनट्स लेट अगर आपको मम्मा फूड सर्व करती है तो आप समझो कि आपकी मम्मा पे कितना सारा काम है ना, तो थोड़ा सा कंसिडर करना चाहिए और उनकी हेल्प करनी चाहिए। माइंड योर मैनर्स, ऑलवेज माइंड योर मैनर्स। आप जब कभी बाहर जाते हो या स्कूल में होते हो या ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हो तो यू शुड ऑलवेज माइंड योर मैनर्स। आपको बहुत ही वेल मैनर्ड और वेल डिसिप्लिन चाइल्ड की तरह बिहेव कर, सारी चीजें काउंट होती हैं गुड मैनर्स, ओके। और अगर आपके अंदर ये सारी चीजें डेवलप हो गई तो आप एक वेल मैनर्ड और वेल बिहेव चाइल्ड कहलाओ। सो दिस इज ऑल अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ गुड मैनर्स, ओके। आई होप यू लाइक एंड अंडरस्टैंड दिस लेसन। Now it's our story time.